डॉक्टर तो घर तराने जैसे कोई चिंता की बात नहीं। दवाई खरीदी की ना मालिक दो चिट्ठी। हाँ क्या बात बा केकर चिट्ठी बा पटना से वकील के का लिख ले बा का लिखी सिर्फ पैसा आइठे का जुगाड़ लगा हुआ था बस। फिर कोनो नया बखेड़ा खड़ा कर ले इसका रजिस्ट्रा ना नया बखेड़ा का खड़ा करी तब 15 तारीख के केस का डेट पड़ल बा लिखल बा कि पहुंचल जरूरी है समझे मैं नहीं कहा इस ससुरा करत का बा हर बार सिर्फ डेट डेट पे डेट डेट पे डेट डेट पे डेट केस जब से शुरू भइल बा ना एक इंच आगे ना खसकल ई सार वकील एकदम घसकटवा वकील बुझाता भाई साहब एकरा बदल दी माधव बात सही कहता रहा लेकिन दूसर तेज वकील मिले तब ना बदली हमारा के तो कोनो वकील लौकता नहीं के हेलो जी हाँ बालन बालन अभी देता नहीं जी देवाशीष बाबू के फोन पर हेलो क्या हाल चाल है सूरजदेव हाँ मैं ठीक हूँ देवाशीष तुम कैसे हो मैं फिट एंड फाइन अरे सुनो मुझे बहुत से पता चला है कि मनु की तबीयत खराब है क्या हुआ उसको कुछ नहीं बस अरे वो ऐसे थोड़ा सा टेंशन था अभी ठीक है थैंक गॉड और सुनाओ क्या खबर है कुछ नहीं यार अभी ये पटना से वकील की चिट्ठी आई थी वही पढ़ रहा था कि तब तक तुम्हारा फोन आ गया उस जमीन वाला केस तुम्हारा खत्म नहीं हुआ क्या अरे कहाँ सिर्फ डेट पे डेट आगे बढ़ रही है बस कुछ हो नहीं रहा हमारे वकील को डेट आगे बढ़ाने के अलावा कुछ आते ही नहीं तो दूसरा वकील कर लो ना अरे मैं पटना में नहीं रहता हूँ भाई मुझे क्या पता वहाँ कौन सा वकील अच्छा है कौन सा खराब है मुझे पहले वाले वकील को हटा के इसको रखा था अब मुझे क्या पता था कि ये भी चिनिया बादाम फोड़ने वाला निकलेगा तो एक काम करो मैं तुम्हारे पास एक वकील भेजता हूँ वही का है इंटेलिजेंट है यंग है और फ्यूचर भी ब्राइट है मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारा केस एक दो डेट में ही फैसले तक ला देगा कहो तो तुम्हारे पास भेज दूं देखो देवाशीष अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो भेज दो मैं बात कर लूंगा वैसे नाम क्या उसका शुभम शुभम सिंह शुभम सिंह ठीक है तुम भेज दो फोन रखता हूँ ओके ठीक है रखता हूँ देवाशीष एगो वकील के भेजा था बतिया के देख ले अगर अच्छा लगल तब के सौंप दो बकरा के अरे भैया रफलवा के का हुई और कागज बाबू साहेब देख ली कि वो नतिया सही जगह साइन कर ले बानो तू तो कमाल कदलू कटारी साचो कमाल कदलू लाए ना मिठाई खा लिया कटारी पैसे का भुक्कड़ ना इन बाबू साहेब भाव का भुक्कड़ है भाव का रहुआ हमरे मेहनत के हमरे कोशिश के मान दे ले ये हमरे खातिर बहुत बा तू तो अपना बात से बिना मूल हमरा के खरीद ले लू कटारी कबो कोनो चीज की जरूरत हो के बेहिचका जी है खूब पी काहे कि हम जानी रहुआ एकरा के बिना ना रह सके पर हमार हमार एक बात सुन ली बेशक मत मानब पर सोचब जरूर
शराब के सहारा कमजोर लोग लेला, जेकरा में दुख से लड़े की हिम्मत ना होला, गलती की सामना करे के साहस ना होला, वो लोग लेला शराब के सहारा। जहां तक हम जाना था नहीं, रहुआ से कोनो गलती नहीं किए भाई, काहे कि प्रेम कैल कोनो गलती ना। तो फिर इस शराब का सहारा काहे? अगर प्रेम सच्चा बा तो उनका के अपना याद में जिंदा रखे। हमार पायल, हमरा दिल दिमाग, हमरा जज्बात, हमरी हर सांस में जिंदा बाड़े, सब जगह पायल जिंदा बाड़े। हम तो सुनने वाले कि प्रेम करे वाला प्रेम पुजारी होला, और पुजारी ओ होला जे पूजा करेला, और इस शराब पी के कौनो पूजा ना होई, काहे कि पुजारी के स्थान बहुत ही पवित्र और ऊंचा होला। भौजी, भौजी रवा के बाबूजी हॉल में बुलावा था नहीं। चला हम आवता नहीं। जी भौजी। राउर तब पटना आना जाना भी उतना नहीं खे, एकदम सिंपल बा। हम तोरा के बताऊनी ना कि हमार पतो ओइजा कहीं। जी जी, ओ नाते और ए नाते भी कि हमार घर भी ओइजा है। तोरा बाबूजी का नाम शायद हम जानत होई। हमार बाबूजी का नाम है। अरे आवत रहिन, तोरा के तोरा नैहर वाला से मिलवावे के बा। बबुआ यहाँ हमार पतो। यह हमार पतो आंचल। जी अब जाना था नहीं। जाना था ना? पर कैसे? ओ देवाशीष बाबू मिल रहे हैं। इनका केस खातिर बतौर लीगल एडवाइजर। देवाशीष? पर हमरा के बताओ ना। जी हमरो से ना बतौलन कि आंचल जी के यहाँ जाए के बा। अरे वो बड़का भुलक्कड़ बाड़ा, आधा बात बतावे ना आधा खा जाना। लेकिन बेटा तू तो ना बतौला। जी का? अरे यह है कि तू दुल्हन के इलाका के बाड़ा, तो हर दुल्हन से मुलाकात हो चुकल बा है? चल ठीक है, कोनो बात नहीं। कहा तो नहीं। अब दरअसल बाबूजी हमनी के बीच इतना बातचीत ना भइल, और ना ही पहले से हमनी के कोनो परिचय रहे। वैसे भी बाबूजी एक गांव, एक शहर, यहाँ तक एक मोहल्ला में भी कितना लोग रहेला, सबके सब कहाँ जाने ला बाबूजी। इससे तो ठीक, लेकिन दुल्हन दूसरा में और इनका में बहुत अंतर बा। अरे शुभम,
शुभम तोहरा गांव का होनहार वकील बने। ये हो आग लूट पहाड़ के नीचे, देखा अब कैसे झारत नहीं बुनिया। दुनिया ना नचवैली अंखिया के सोच, तब कहिया ए महारानी। हाँ दुल्हन, हम अपना ओजा वाला जमीन का केस शुभम के सौंपता नहीं। कैसन रही, ठीक रही नहीं? हम का राय दे सकिले, रउआ लोग जे करब ठीक ही करब। अरे तोरे पिताजी का नाम बा? श्री आर पी सिंह। अच्छा बा, सरकारी मतलब कोनो नौकरी उकरी करे ना? सर केस के बारे में बताई ना। केस कौन स्टेज में पहुंचल बा, और अगर बाहर से कापी हो तो वो दिखा दी जरा हमें। अरे बेटा सब दे देता नहीं, सब दिखा दे तोहरा के। तू अपना हिसाब से मसौदा तैयार कर लिया, जवन तोहरा के उचित लगे वो करिया। सर एक बात बताई, उस जमीन का असली हकदार के है? बेटा वो जमीन का असली हकदार था हमही बाड़ी। वो जमीन हमरा के ससुरारी से मिलल रहे तड़का में। अब हम यहाँ कलकत्ता आके बिजनेस शुरू करनी तही के होके रहेगी। अब वहां जब तक हमार सास जिंदा रहनी, खेती बाड़ी अधिया बटैया पे करात रहनी। उनका गुजरला के बाद हमके बिजनेस के चक्कर में टाइम मिला ला कि जाके देखी। वो जमीन के बगल में राजेश्वर सिंह का जमीन रहे। अब जब केहू खेती करे वाला रहे ना तो वो जमीन पे कब्जा कर लेना। हम जब एक बार वहां गए नहीं तो देखनी तो उनका कब्जा। हम कहनी भाई राजेश्वर सिंह ये जमीन हमार बा, तो लगना उठपटांग बात करे। अब अगर बेटा मारपीट करती तब फौजदारी का केस हो जाता। ये से हम चुपचाप कलकत्ता आ गए नहीं और एक केस दर्ज कर देनी। अब केस 15-20 साल से चलत था। अभी केस से हम उबिया गए बानी। अब सच लागत है कि मामला या तो ए पार या ओ पार हो जाए बस। और वैसे भी राजेश्वर सिंह ठीक आदमी नहीं थे। बेटा ये से हम चाहता नहीं कि जितना जल्दी हो सके ये मामला फरिया जाए। अब तू आगे बढ़ा तो देखा कैसे कितना जल्दी का हो सकेला केस के मामले में। जी हम समझ गए। आज महीनों बाद हमार जान हमारे हाथे आयल बा। यही से अपना मुहात रहा ना भैया। जाना तरह चिमनी, राइफल और औरत में ज्यादा अंतर ना होला, दोनों से बराबर प्यार होला, ना एक रत्ति ज्यादा ना एक रत्ति कम। एकदम 100% सही कहला भैया। राइफल जान में बसल जान के हिफाजत करेला, लेकिन भौजी के राइफलवा के बारे में बतैला है कि ना? सब बात बतावल जरूरी है बगा। चिमनी बबुआ, राउर भाई बाहर सबके सब कुछ बतावेलन, हमरा के कुछ ना बतावेलन, काहे कि हमसे डरालन। हम इन पे कहूं रोक टोक ना लगा दी। सुना हे काहे रे? मानम कटारी बा, हम बाबू साहब से मिले अलपनी। हमार नाम दोए हो? हमार नाम बीरू है। अरे तो तू हैजा कैसे आ गई लो? बाबू साहब के धन्यवाद देवे के। ये
गोल लगा था नहीं भैया ने गोल लगा कुछ बोल बोल कर पा भैया दी हमने के नौकरी पे लख ला आपके भगवान भला करी भैया अरे का बोला रे चमड़ा के जवान गड़बड़ा गलन भैया बाबू साहेब हमार आवे के कारण ई बा केनन के काम देला की खुशी में हम गरीब कुछ छोट मोट उपहार ले आल बानी हैसियत में हम छोड़ जरूर बानी पर पेशा ककरिया हम भाव में छोट नहीं की अरे तो का उपहार ले बारो असली शूद शहद ले आल बानी तो हमार भौजी के देता लो भौजी दे दिया एकदम असली शहर लिया है नहीं बाबू साहेब की निकला गी एक बात कही दीदी तू बहुत पुण्य कर ले बाड़ू जोन बाबू साहेब जैसन पति मिलल कौनो मेरारू कौनो लड़की हो जलन तो हो बे करी भगवान ई जोड़ी के सलामत रखी ई जोड़ी के नजर ना लगी अच्छा बाबूजी हम जाता नहीं राम 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 दीदी राम राम भैया दी राम राम भाव दी तलता नहीं अजीब लड़की लागत भैया अरे भौजी अजीब भी है तभी तो जे हम दोनों भाई काम ना कर सकनी हई लड़की कर देलस ऐसन कौन काम कर देलस अरे आज बाबू साहब के हाथ में रेफलवा ओकरे वजह से तो शोभता का हो का पूछ नहीं का हो सूरज भैया कागजवा साइन करा के यह देले रहे ना हाँ बड़ी मेहरबान भैया दाल में करिया नहीं खेनू तहारा रहते दाल में करिया हो सकता का देखा भौजी पहरेदारी अब चौकस करे पड़ी का हो सूरज भैया देखा एकर बात तू मत सुनी एक खटिया वाला आदमी दू खटिया करवाए चाहता